एक बूढ़ी औरत बुढ़ी अम्मा बैठी है, चरखा कात रही है, पूरी जब इस तरह खींचती है रू रू भी साथ करती है और साथ साथ आंसू भी बहा रही है। हजरत सिद्दीक कहते हैं या उम्मा, वो कहती है कौन है तो मुझे अम्मी कहने वाला, आज तक तो मुझे सिवाय मेरे बेटे के किसी ने अम्मी नहीं कहा। पहले वो जाया करता था मक्का मुकरमा में, वहां से जाके मेरे लिए खाना दाना ले आया करता था, मगर तीसरे दिन ना जाया करता था। आज 7 दिन हो गए हैं, ना मेरे मेके में से कोई जिंदा रहा है, ना ससुराल वालों से जिंदा रहा है। एक ही लड़का था, वो भी मालूम होता है कजा इलाही से काट गया रास्ता अपना दुनिया का, 7 दिन हो गए नहीं आया। अब रो इसलिए रही हूं, अपने बेटे के गम में रो रही हूं, तू कौन है मुझे अम्मी अम्मी कहने वाला। कहने लगे सिद्दीक अकबर, अम्मी जी आप जो हमारी माए जैसी हैं, इसलिए उठ के चली ही आई है। पूरी उसी तरह कातने वाली वो अपने हाथ में है, आके कहती है कौन है तू और क्या चाहता है। पूछते हैं सिद्दीक अकबर, के कुर्बान जावा, अगर मेरे पास पानी होता तो तेरे ऐसा आदमी, अच्छा ये बता कि तू अकेला है या साथ कोई और भी है। वो कहने लगे सिद्दीक अकबर, मेरे पांव तलवों से जमीन निकल गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, अब अगर मैं कहता हूँ कि मुहम्मद है मेरे साथ, हो सकता है ये मक्के वाले काफरों में से हो। इसने को उल्टी सीधी बात करनी है, मैं इसका गाटा बन के तोड़ के रख दूंगा, तबाह कर दूंगा। और अगर मैं झूठ बोलूं तो सिद्दीक की सिदाकत में फर्क आता है, क्योंकि सिद्दीक वो होता है जो झूठ बोल कर भी नहीं बल्कि भूल कर भी झूठ बोलता नहीं। मेरी सिदाकत में फर्क आ जाएगा, इसलिए मैंने सोच सोच के कहा अम्मी रजोलो या दीन सबीली। मेरे साथ वो मर्द है, जब मैं भूलने लगता हूँ मुझे कंधे से पकड़ के पक डंडी पे चढ़ा दिया करता है। माई जमीन पे रह गई और सिद्दीक अकबर अर्शे बरीन पे चल गया। बहरहाल वो आगे आके अपनी एड़ियां उठा के देखती है, नबी अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे। कहने लगी तला लाता तल, और कहो ना सारे लल्लू हो कट्ठे। एक बार चुप कर यार, हसूरा चुप कर, तवज्जो है। कहने लगी तला लाता कमा या तला लौल कमरो लैल तल बदर, मुहम्मद आजा लैसा कल बशर बल हो वकल याकूत फिल हजर। तला लाता कमा या तला लौल कमर लैल तल बदर, माहाजा बशर इल्ला कल याकूत फिल हजर। हाय 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 हाय, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। अल्लाह के बंदे, मुझे इसके देखने के बाद मेरा मरा हुआ बेटा भी भूल गया है तुझे, अभी परेशान कर रही है प्यास, तेरी प्यास भी इसके साथ रह के नहीं हटी, मगर मुझे तो अपने बेटे की वो उदासी भी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे बड़ा ताज्जुब है इस जैसा साथी जो तेरे साथ है। हजरत फरमाते हैं जी अम्मा जी साड़िया तस्से ते बड़े मुद्दत दे लाए गए ने, साडे तस्से लथ गए ने, हुण ते प्यास उना सरकारा नूं ऐ साडियां प्यासा ते मुक गईयां। अल्लाह अल्लाह, माई साहबा कहंदी है अल्लाह पाक दी मेहरबानी नाल मैं सदके ते कुर्बान थी वा, मेरा बच्चा जे मेरे कोलू गाटे दी रत वी दे सकदी ते मैं तुहाडे उत्ते पेश कर देंदी। एहो जे मेहमान आण मैं सारा घर लुटवा देवां तवी मैनू सौदा सस्ता पै जांदा है, पर मेरे कोल कुछ नहीं। हज़रत सिद्दीक अकबर कहंदा है पिछा हट के या रसूल्ला, होर ते कुछ नहीं ओहदे कोल, इक घर दे कोने विच इक दुबली पतली लिसी मोई मारी कार दी ना अंदर दी ना एक पीरा मारी हुई एक बकरी खली एक
एक बकरी खड़ी है, वो पता नहीं कैसी है। नबी करीम फरमाते हैं, जाओ बीबी को कहो वही बकरी चंद लम्हों के लिए दे दे, फिर असा ओनू विगवी नहीं देंगे सगवी देंगे, वो ही देंगे। माई साहबा ने आख्या, ये मेरे घर जड़ी है मन तबाजत व महताजत व मन तबालत व महताबालत, छोटी जाइए ऐसी पठोरी तो मैनू खलान लगी हाँ, ये मिणकती भी है ते बेंगना भी लांदी है, मगर ये नेड़े नर भी नहीं आया, थनिया भी ये दी नहीं बनिया, जेदे पल्ले कुछ भी नहीं हो बीबा पुत्रा, तुसी ये दे कोलू औतरी कोलू की लेना है, के लवना है तुसा। नबी करीम वल मुंह कीता सिद्दीक अकबर, नबी करीम फरमाया जे ओ किसे कम दी भी नहीं ते साडे कम दी जरूर है। अल्लाह दा इज़्ज़त हो जावे ते मुहम्मद करीम दा एक कंदाज भी अल्लाह दी तौहीद दी दलील बनदा है। माई साहबा ने बकरी छोड़ दिती ते नाल नाल टुर दी आई, कि वेखण दे ते वड़े शरीफ ने, हो सकदा लै के तितर न हो जान मेरी बकरी लुंडी लंडी, नाल आके खड़ी हो गई। नबी करीम अगे दो चार कदम चल के फरमा लगे, सुके लिया जल्दी लिया जल्दी लिया जल्दी लिया जल्दी लिया, अगे चार कदम हो के अल्लाह के पैगम्बर ने अपने बाएं हाथ में बकरी का कान पकड़ लिया और सिद्दीक अकबर को फरमाया, नीचे बैठ चैस की थनियां देख कहीं है कि नहीं, हजरत जी कोई थनी का निशान भी नहीं है। अच्छा अच्छा, अल्लाह के पैगम्बर अपने बाएं हाथ में बकरी का कान पकड़ के और दाया हाथ सर पे फेर के कहते हैं, तबारा कसम रब्बे का, तबारक स्मु रब्बे का, ज़ुल जलाल वल इकराम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्ले शैइन कदीर। यही याद फेर रहे हैं और उसी तरह हाथ भी फेरते हैं और करते भी हैं। थोड़ी देर के बाद सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल्ला थनिया नहीं है ते थनोट। नबी करीम फरमाया, बुट्टी नू आख लाया वे बर्तन, बर्तन लेके आई। हजरत सिद्दीक अकबर अपने काम च मशगूल हो गया, बर्तन भरया गया। नबी करीम फरमाया, बुढ़ी नू आख होर बर्तन लिया, एवें चुंगिया चुकदी फिरदी आई मालूम होवे जिवें 13 साल दी होणी, हैरान होवे हैसी की ते हो की, क्या था और क्या हो गया, माने जान दिखा के तुझको नहीं रहा मैं आया, तुझ पर भी अभी बागे जन्नत दिखाया, हाथों से इनकार किया तो अब भी सही। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने हाथों के साथ अल्लाह की कुदरत के साथ अल्लाह की तौहीद की निशानी बन के ना होने वाले दूध को होना बना दिया। आहा, बर्तन ले आई दूसरा, फिर तीसरा ले आई, हत्ता के 18 बर्तन भर गए दूध के। अपने घर खड़े होके चीख चिल्ला के कहने लगी, माफी बैती मिनल अवानी, ओ बंदे ओ अल्लाह दे, ओ अल्लाह दी कसम है मेरे घर में जो भांडा कोई नहीं। नबी करीम फरमाया, सिद्दीका छोड़ दे बकरी नू, जे बुढ़ी दे भांडे ना मुख दे ते दूध मुकन ना ही देंदा अल्लाह पाक। एक अंदाज मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जो अंदाज पेश किया है अल्लाह दे हुक्म दे नाल, उदे विच अल्लाह दी तौहीद मौजूद है, कि दावा के है, ओ लोगो जो कुछ मैं कर रहा मुहम्मद दे हत्था ते, जे मुहम्मद जिया कोई होर भी है उदे हत्था ते इन्ये कोई करके विखाए चा, जे कोई नहीं कर सकदा ते पता लग गया ला इलाहा, कहो अजान पे ذو المقام الأسنى وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم